गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। टुडे वी डिस्कसिंग द अनदर टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी इज द एंटी फंगल ड्रग्स। जैसे नाम पता लग रहा है एंटी फंगल मतलब जो ड्रग्स दैट द ड्रग्स दैट वर्क अगेंस्ट द फंगस इन्फेक्शन या फंगल्स जो फंगस के अगेंस्ट में जो हमारा वर्क करती हैं तो दीज आर द एंटी फंगल ड्रग्स। वेरियस टाइप के हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन फंगल इन्फेक्शन है, कोई मुकक कोई माइकोसिस इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारी अंदर वाली डर्मिस में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है और म्यूकोजा में इन्फेक्शन डर्माटाइटिस का हो जाता है और इसके अलावा हमारे सर्विस ऑफ स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सभी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, डेट इज़ द एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, तो याद कर स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स क्या है। इन्फेक्शन डिसीज कॉज बाई फंगाई आर कॉल्ड माइकोसिस एंड दे आर ऑफन ए क्रोनिक इन नेचर्स। जैसे इन्फेक्शन डिसीज जो फंगस के थ्रू होती है उसे हम माइकोसिस बोलते हैं और ये क्रोनिक नेचर की हो सकती है, लंबे समय तक लोगों को ये बना रहता है, माइकोसिस इन्फेक्शन बना रहता है। सम माइकोटिक इन्फेक्शन आर सुपरफिशियल, सम इन्वॉल्व इन द स्किन, क्यूटेनियस माइकोसिस एक्सटेंडिंग टू द एपिडर्मिस। कुछ माइकोटिक इन्फेक्शन जो होते हैं वो हमारी बॉडी की सरफेस पे सुपरफिशियल होते हैं, कुछ होते हैं हमारी बॉडी के डर्मिस के अंदर तक पहुंच जाते हैं। बट फंगस फंगाई में भी ये आल्सो पेनिट्रेट द स्किन एंड कॉजिंग ए सबक्यूटनेस इन्फेक्शन। कुछ फंगाई ऐसी भी होती हैं जो हमारी स्किन की पेनिट्रेट करके हमारी सबक्यूटनेस लेयर तक इन्फेक्शन कर देती हैं। द फंगल इन्फेक्शन डेट आर मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट द सिस्टमिक माइकोसिस विच आर ऑफन द लाइफ थ्रेटनिंग। और जो फंगल इन्फेक्शन जो हमारे सिस्टमिक माइकोसिस की बात करते हैं, सिस्टम माइकोसिस मतलब हमारी स्किन पे ना छोड़ के हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट ऑफ में बॉडी किसी इंटरनल पार्ट में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसे सिस्टमिक माइकोसिस बोलते हैं। और वो फंगल इन्फेक्शन बहुत जरूरी ठीक करना बहुत डिफिकल्ट भी होता है, ठीक करना जरूरी होता है क्योंकि वो हमारी लाइफ थ्योरी लाइफ की जैसी प्रॉब्लम को बनाने के लिए काम करता है। ठीक है, अनलाइक बैक्टीरिया फंगाई एक मिनट जस्ट मिनट्स प्लीज अनलाइक बैक्टीरिया फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड दे आर रिजिड सेल वॉल्स एंड कंपोज ऑफ लार्जली चिटिन्स ए पॉलीमर एंड एस्टाइल ग्लूकोसामाइन दे आर अदर देन ए पेप्टाइडोग्लाइकन कैरेक्टराइज कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल्स। जैसे बैक्टीरिया में होता है वैसे फंगस में नहीं होता है। फंगाई के अंदर जो आपका सेल वॉल होती है उसमें आपका एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन होता है, चिटिन प्रोटीन होती है। जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन किसमें होता था, बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं होकर क्या होता है कुछ चिटिन प्रोटीन्स होती हैं वो एनास्टाइल ग्लूकोसामाइन की होती हैं, इसलिए जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती हैं वो इसके अगेंस्ट में काम नहीं कर पाती हैं। इनके लिए क्या दूसरी टाइप की ड्रग चाहिए होती है जो इनकी सेल वॉल को पेनिट्रेट कर पाएँ, उसको ख़त्म कर पाएँ। द फंगल सेल मेम्ब्रेन कंटेन ए एक्स्ट्रा इर्गोस्टेरोल्स रदर देन ए कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। और जो आपका फंगल जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ज़्यादातर केमिकल कौन सा होगा, इर्गोस्टेरोल्स होता है, दैट इज़ द नेचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जैसे कोलेस्ट्रॉल की जैसे ही इसका स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है इर्गोस्टेरोल्स। ठीक है, और द केमिकल कैरेक्टर इज यूजफुल इन टारगेटिंग द कीमोथेरेपेटिक एजेंट अगेंस्ट द फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, जो केमिकल कुछ होते हैं जो आपकी इसी तरह की मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं और कीमोथेरेपी एजेंट्स यूज़ किया थे फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो आप क्लासिफाई करते हैं कि एंटी फंगल ड्रग एजेंट्स क्या होते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स एजेंट्स आर यूज फॉर द डीप एंड सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपके एंटीबायोटिक में आपकी पॉलीन्स होते हैं जिसमें एम्फोटेरिसिन वी है, नेस्टाटिन है और हेमासिन है। इसके अलावा एसीकोनाइड्स भी होते हैं जिसमें सिस्पायुगिन, मिकोयुगिन और एंटी यूगिल होते हैं। इसके अलावा हेटरोहाइक्लोबेंजोफिरोन होते हैं, ग्रेसिफ्लुविन कहते हैं, एंटी मेटालाइड होती हैं फ्लूसाइटोसिन और एजोल्स आपके सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज़ किया है डेट इज ओजोल्स। एजोल्स में आपके मिडाजोल्स हैं जिसमें क्लोट्रिमाजोल है, इकोनाजोल है, मिकोनाजोल है, ऑक्सीनाजोल है। सिस्टमिक में आपका कीटाकोनाजोल है। ठीक है, और इसी में ट्रायोजोल्स में आपका फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल्स है, बेरिकोनाजोल्स है और पोसाकोनाजोल्स है। तो ये ट्रायोजोल्स जो हैं और इमिडाजोल्स हैं दी आर द मेजोरिटी आर यूज इन द टूडे। और वैसे ऊपर वाले जो जितने एंटीबायोटिक्स हैं वो भी आपके यूज़ किया था, लेकिन इनका यूज़ अब थोड़ा कम रह गया है। मेजोरिटी यूज़ जो है आजकल ट्रीटमेंट यूज़ किया जाते हैं वो एजोल्स किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्कलाइन है, ट्राइबिनाफिन है, ट्रबिनाफिन आता है, अल्कलाइन केमिकल होता है, वो भी आपका
ऐसे एंटीफंगल काम करता है। इसके अलावा अदर टॉपिकल एजेंट जो हम टॉपिकली यूज़ करते हैं ऐसे फंगल इन्फेक्शन में, जैसे आपका टोलोफिनेट है, साइक्लिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, यूरिनिडोक्लोर है, सिक्लोप्रोक्सामीन है, ब्यूटेन, फिनामीन, सोडियम थायसल्फेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ड्रग हम एडिसस करें, सभी ड्रग एडिसस नहीं कर सकते। जो मेजरली यूज ड्रग हैं, जो चीफ ड्रग है, उनको हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एम्फोटेरेसिन बी की। एम्फोटेरेसिन बी इज ए नेचुरली अकरिंग पॉलीन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय द सिस्टमेटिक सिस्टो सॉरी स्ट्रेप्टोमाइस नोड्यूल्स। तो ये बेसिकली एम्फोटेरेसिन बी है, नेचुरली अकरिंग पॉलीन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, जो कि एक तरह से एंटी फंगल का काम भी करती है। और ये बेसिकली स्ट्रेप्टोमाइस नोड्यूल्स नोड्यूल्स से ऑप्टेन की हुई होती है। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म एक्शन कैसे काम ये करती है, तो सर्वल एम्फोटेरेसिन बी मॉलिक्यूल वाइंड टू द एगोस्टेरॉल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेंसिटिव फंगल सेल्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जो आपकी फंगस की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन सा होता है, एगोस्टेरॉल केमिकल होता है, जिसकी वजह से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो पाता है। तो एगोस्टेरॉल केमिकल के साथ में ये एम्फोटेरेसिन बी बाइंड कर देता है, एंड दिस दे आर दे फॉर्म ए प्रोन्स डेट रिक्वायर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बिटवीन द लिपोफिलिक सिगामेंट्स ऑफ द पॉलीन एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉल्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होते हैं, ये आपके प्रोन चैनल्स दो एंड दे आर दे फॉर्म ए प्रोन चैनल डेट रिक्वायर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो होता है वो आसानी से हो पाएगा, मतलब बिटवीन द लिपोफिलिक सिगामेंट ऑफ पॉलीन एंटीबायोटिक्स, एक प्रोन चैनल डेवलप कर लेते हैं। और ये प्रोन चैनल होते हैं वो आपके डेवलप हो प्रोन चैनल जो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस वो लिपोफिलिक सिगामेंट के साथ में इंट्रैक्शन हो जाता है। मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर सॉल्युबल पोजीशन नहीं है एगोस्टेरॉल का, वो आपका पॉलीन जो एंटीबायोटिक है सिगामेंट ऑफ पॉलीन एस्टेरॉल के साथ में वो इंट्रैक्शन होने लगता है प्रोन चैनल बनने की वजह से। क्या वो समझ लीजिए, दे आर दे फॉर्म प्रोन चैनल्स बना दिए डेट रिक्वायर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बिटवीन द लिपोफिलिक सिगामेंट्स ऑफ पॉलीन एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉल्स। ये क्या बना लेते हैं, प्रोन चैनल के थ्रू क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन करते हैं, जो कैल्शियम जो आपका एगोस्टेरॉल से हाइड्रोफोबिक है, और लिपोफिलिक सिगामेंट जो पॉलीन एंटीबायोटिक का है वो उसके साथ में वाइंडिंग करेगा और इंट्रैक्शन करेगा। और इंट्रैक्शन करने की वजह से क्या होगा, इस चैनल को डिस्टर्ब कर देगा, प्रोन चैनल जो हैं इसके अंदर वो क्या होगा डिस्टर्ब हो जाएंगे इसके साथ में इंट्रैक्शन होने की वजह से। किसके साथ में, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा किसका, लिपोफिलिक सिगामेंट ऑफ पॉलीन एंटीबॉडीज की वजह से एंड द स्टेरॉल की वजह से। तो क्या हुआ इसके बाद में, जब इंट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, द पोर डिस्टर्ब मेम्ब्रेन फंक्शंस, जो पोर मेम्ब्रेन है उसके क्या हुआ फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, अलॉय इलेक्ट्रोलाइट्स पर्टिकुलरली पोटेशियम एंड स्मॉल मॉलिक्यूल टू लीक आउट फ्रॉम द सेल रिजल्टिंग इन सेल डेथ। इस पोर चैनल के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ कि मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली पोटेशियम आउट होने लगता है, पोटेशियम बाहर जाने लगता है, और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो भी लीक आउट हो जाते हैं उस सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगल के फंगस की सेल मेम्ब्रेन से, जिसकी वजह से उस फंगस की डेथ हो जाती है, वो किल हो जाता है। तो ओवरऑल आप एक मैं समराइज करूँ क्या है मैंने मोड ऑफ एक्शन में, बेसिकली जो एम्फोटेरेसिन वी है वो क्या करता है, आपके एगोस्टेरॉल से वाइंड कर देता है जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके साथ वाइंड होने की वजह से क्या वाइंड कैसे होता है, जो प्रोन चैनल के थ्रू जो उसके अंदर पहुँचेगा, और वो हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोफोबिक जो जो केमिकल्स हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कौन लिपोफिलिक सिगामेंट ऑफ इसका जो पॉलीन एंटीबायोटिक है जो एम्फोटेरेसिन वी, उसका लिपोफिलिक सिगामेंट इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और स्टेरॉल के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, इनके साथ केमिकल बाइंडिंग करता है, केमिकल बाइंडिंग के साथ जो पोर चैनल होते हैं वो क्या होते हैं डिस्टर्ब हो गए, पोर चैनल डिस्टर्ब हो गए खराब हो गए। इन पोर चैनल की इंटीग्रिटी खराब होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ से पोटेशियम भी बाहर आने लगा और सबस्टांस भी लीक आउट होने लगे, किसमें से फंगस की मेम्ब्रेन से, जिसकी वजह से फंगस की डेथ हो जाती है, फंगस किल हो जाती है। ठीक है, दीज आर द मोड ऑफ एक्शंस। डोज एंड रूट क्या होता है, एम्फोटेरेसिन वी कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली 50 to 100 mg QID, मतलब 4 बार देते हैं फॉर द इंटेस्टिनल मैक्रोलोसिस एंड आल्सो टॉपिकली फॉर ए बेंजाइनाइटिस एंड ऑटोमाइकोसिस। ठीक है, तो इंटेस्टिनल के लिए तो हमें ओरली देना पड़ेगा, बट बेंजाइनाइटिस को बेंजाइना में कोई आपका फंगल इन्फेक्शन है या फिर ओटामाइकिस मतलब कि ईयर में कोई फंगल इन्फेक्शन है उस कंडीशन में टॉपिकली ड्रॉप इसका यूज़ किया जाता है। एज सिस्टमिक माइकोसिस सी एम्फोटेरेसिन वी इज अवेलेबल इन एज ए ड्राई पाउडर अलॉन्ग विद ए डॉक्सी क्लोट गिवन बाई आईवी रूट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो सिस्टमिक माइकोसिस हुआ हुआ अगर ब्लड में या कहीं हमारी बॉडी के इंटरनल कहीं भी आपका
फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस कंडीशन में एम्पोटोशियन को हम आईवी रूट से देते हैं। ये ड्राई पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है। इसको हम डॉक्सीकोलेट के साथ में आईवी रूट से देते हैं। डॉक्सीकोलेट के साथ देने का कारण ये है कि ये अकेले दिया था तो इसका एब्जॉर्प्शन बायबिलिटी अच्छी नहीं होती, जब इसको इसके साथ मिक्स किया जाता है उसकी बायबिलिटी अच्छी होती है, लॉन्ग टाइम तक टिकता है, अपना एक्शन करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? दिस अकर विद ईच इन्फ्यूजन एंड कंसिस्ट ऑफ चिल्स, फीवर, एज, पेन ऑल ओवर द बॉडी, नोजिया, वॉमिटिंग, डेस्पोनिया लास्टिंग फॉर 2-5 आवर्स। बेसिकली जो आपका जब वैसे इन्फ्यूज़ किया जाता है तो थोड़ा सा ये सिम्टम कॉमन सिम्टम्स हम कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं, चिल्स होना, फीवर आता है, बॉडी एज हो जाता है, पेन ऑल ओवर बॉडी, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डेस्पोनिया मतलब थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह होती है। थ्रोम्बोफिलेरिटिस और द इंजेक्टिव वेन कैन अकर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ जिस वेन्स में हम आईवी रूट से ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर उस वेन में कोई क्लॉट फॉर्म हो जाता है जिसके ऊपर बोलते हैं थ्रोम्बोफिलेरिटिस, ये अकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम इसे आईवी रूट से देते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज अकर फेयरली यूनिफॉर्म एंड इज रोड रिलेटेड। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का जो नेफ्रॉन को डैमेज करने का, जो नेफ्रॉन यानी कि आपकी नेफ्रो मतलब कि किडनी डैमेज करने का इसका मेन काम होता है, अगर ज़्यादा डोज में रिपीटेड डोज के लॉन्ग टाइम पर दिया जाता है तो किडनी आपकी डैमेज होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस बने रहते हैं। बेसिकली ये तभी होता है जब हम डोज रिलेटेड है मतलब लॉन्ग टाइम का डोज दे रहे हैं और या हाई डोज दे रहे हैं उस कंडीशन में। इंट्रेक्शन की बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड जितने एंटीबॉडी हैं, वैंकोमाइसिन है, साइक्लोस्पोरिन है, अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उसके साथ में अगर दिया जाए तो चांसेस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिटी के बढ़ जाते हैं, इसलिए उनके साथ में ना दिया जाए। अमीनोग्लाइकोसाइड, वैंकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इनहांस द रीनल इंपेयरमेंट कॉज बाय द एम्पोटोक्सिन बी, इसलिए एम्पोटोक्सिन बी को कभी भी अदर जो ड्रग है जो आपकी नेफ्रोटॉक्सिटी करते हैं उनके साथ में ना दें, जो चांसेस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिटी के बढ़ जाएंगे, तो ये इसका इंट्रेक्शन है। इंडिकेशन केसेस में यूज़ करते हैं एम्पोटोक्सिन वी कैन बी अप्लाइड टॉपिकली और फॉर ओरल, वैगाइनल, क्यूटेनियस कैंडिडेशन, ऑटोमाइकोसिस, मतलब इसके जो टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, बेसिकली इसकी बायबिलिटी अच्छी नहीं है, मैंने आपको बताया था, और बायबिलिटी अच्छी नहीं होने की वजह से इसकी मेनली टॉपिकली यूज़ किया जाता है, तो ओरल है, वैगाइनल है, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस है, ऑटोमाइकोसिस। ओरल को इन्फेक्शन हो गया फंगल का, वैजाइनल को इन्फेक्शन हो जाए फंगस का, क्यूटेनियस मतलब हमारी बॉडी जो स्किन की लेयर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, और ऑटोमाइकोसिस मतलब हमारे कान में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उन कंडीशन यूज़ करते हैं। इट इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम माइकोसिस में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसे आईवी रूट से देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं रेसिफ्लोविन, एक अनदर टाइप ऑफ एंटी फंगल है। इट वॉज वन ऑफ द अर्ली एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेनिसिलिनम ग्रैसिफिलिनम से ऑप्टेन किया गया एक एंटीबायोटिक कंपाउंड है। एंटीबायोटिक मैंने पहले बताया था, एंटीबायोटिक कंपाउंड आर दोस दैट आर ऑप्टेन फ्रॉम द एनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड वर्क अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन किए जाते हैं और किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में काम करते हैं, ये सब क्या होते हैं एंटीबायोटिक। तो ये जो ग्रैसिफिलिनम है वो कहाँ से ऑप्टेन किया जा रहा है, पेनिसिलिनम ग्रैसिफिलिनम, ठीक है। तो ग्रैसिफिलिनम इज ए फंगी स्टैटिक्स फॉर द मोस्ट डर्मोफाइट्स इंक्लूडिंग एपिडर्मोफाइटोन्स, ट्राइकोफाइटोन्स, माइक्रोस्पोरम ETC, बट नॉट अगेंस्ट द कैनेडिया एंड अदर फंगाई कॉजिंग डीप माइकोसिस। मतलब एक तरह से है कि आपका ग्रेसिफ्लोविन डीप माइकोसिस में काम नहीं करता, जबकि टॉपिकली जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट में ये काम करता है। मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म की बात करें तो कैसे ये काम करते हैं, ग्रेसिफ्लोविन इंटरफियर द माइटोसिस बाई बाइंडिंग द पॉलीमराइज माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरफियर दियर फंक्शंस। तो ग्रेसिफिलिनम बेसिकली क्या करते हैं, जो माइटोसिस डिवीजन होता है इन फंगल इन्फेक्शन में, तो उसके जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं उनका पॉलीमराइजेशन होगा, तभी क्या होते हैं स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तभी क्या होंगे एक स्पिंडल फाइबर बनने के बाद क्या होते हैं क्रोमोसोम एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाते हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के थ्रू तो वो कब बनेंगे जब उनका पॉलीमराइजेशन होता है, ये आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा। तो स्पिंडल फाइबर बनने के लिए क्या पॉलीमराइजेशन माइक्रोट्यूबुल्स होना चाहिए, लेकिन ये ग्रेसिफिलिन क्या करते हैं उन्हीं माइक्रोट्यूबुल्स से बाइंड हो जाएंगे, उनका पॉलीमराइजेशन नहीं होने देंगे, पॉलीमराइजेशन नहीं होंगे और उसके फंक्शन अफेक्ट करेंगे, इसके कारण उनका डिवीजन रुक जाता है, यानी कि फंगस में डिवीजन बेसिकली रुक जाता है, इसलिए इसे मेनली इसका एक्शन क्या होता है फंगी स्टैटिक है नॉट ए फंगी साइडल, यानी कि फंगस इन्फेक्शन को ये वहीं पर रोक देगा, फंगस की ग्रोथ को रोक देता है बट फंगस को किल करने का काम नहीं करता है। डोज इसकी रूट क्या है, डोज और रूट की बात करें तो 125 to 250 QID विद मील्स। ड्यूरेशन डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ द एक्शंस
एंड टर्नओवर टेक ए क्रिएटिनिन, ठीक है। तो जो आपका 125 से 250 एमजी के बीच में हम चार बार ले सकते हैं, और लेकिन इसका डिपेंड करता है कि कितना इन्फेक्शन है उस हिसाब से डोज का एडजस्टमेंट किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, टॉक्सिटी ऑफ ग्रेसिक्लोविन इज लो, कम रहती है, यूजली नॉट सीरियस, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। और हेडेक इज द कॉमनेस्ट कंप्लेंट फॉलो बाय द जीआईटी डिस्टर्बेंस हो सकता है, सीनियर सिम्टम्स होते हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं जब इसका ट्रीटमेंट किया जाए। और रेसिस और फोटो एलर्जी में भी वेरियंट डिसकंटिन्यू एंड गैनोमेस्टीसिस रिपोर्टेड। जब हम लॉन्ग टाइम तक करें तो रेसिस है, फोटो एलर्जी है, ये किसी भी देखने लगता है, तो जब फोटो एलर्जी या रेसिस आपको देखें तो उसके टाइम डिसकंटिन्यू कर दें। और इसको अगर लॉन्ग टाइम देखा जाए तो गायनोकोमेस्थीसिया जैसी रिपोर्टेड हो जाता है। गायनोकोमेस्थीसिया मतलब क्या है कि हार्मोनल डिसबैलेंस होना, यानी मेल में फीमेल के सिम्टम अपीयर होना गायनोकोमेस्थीसिया। इंट्रैक्शंस क्या है कि इंट्रैक्शन बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मे बी लॉस्ट, अगर इनको अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में ग्रेसिक्लोविन के दिए जाए तो इसकी इफ़िशेंसी क्या होती है, लॉस हो जाती है, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। इफ़िशेंसी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मे बी लॉस्ट, अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ग्रेसिक्लोविन के साथ में ट्रीटमेंट में दें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनकी सेंसिटिविटी रुक जाती है, वो अपना काम नहीं कर सकते, उनका एक्शन रुक जाता है। फिनोबारबिटोन रिड्यूस द ओरल एब्जॉर्प्शन एंड इंड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्रेसिक्लोविन एंड फेलियर द थेरेपी मे अकर। एक मिनट को हाँ, तो हम लोग थे इंट्रैक्शन पे थे, तो वो इंट्रैक्शन आपको बता दिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ उसमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिनोबारबिटोन रिड्यूस द ओरल एब्जॉर्प्शन इंड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्रेसिक्लोविन। अगर फिनोबारबिटोन को हम फिनोबारबिटोन ड्रग है जो आपकी बेसिकली एपिलेप्सी में दी जाती है, तो अगर उसको हम ग्रेसिक्लोविन के साथ में देंगे तो उसका ग्रेसिक्लोविन का जो मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ग्रेसिक्लोविन का काम खत्म हो जाता है, उसकी फेलियर द थेरेपी में अकर। यानी फिनोबारबिटोन रिड्यूस द ओरल एब्जॉर्प्शन एंड इंड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्रेसिक्लोविन, ठीक है। ओरल एब्जॉर्प्शन कम करेंगी, साथ में मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ग्रेसिक्लोविन की थेरेपी होती है वो इफेक्टेड होती है, इसलिए ग्रेसिक्लोविन को भी फिनोबारबिटोन साथ में अवॉइड करें। इंडिकेशन किस कंडीशन दे सकते हैं, ग्रेसिक्लोविन इज ओरली ओनली फॉर द डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस कंडीशन से ओरली दे सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ लोकलाइज टीनिया इन्फेक्शंस आर ट्रीटेड टॉपिकली एजेंट्स, और टीनिया जो आपके हाथ पैर में जो टीनिया इन्फेक्शन होता है फंगल की वजह से, उसमें टॉपिकली ऐसा एजेंट यूज़ किया जाता है। इट इज़ इफेक्टिव एथलेटिक फूड, एथलेटिक फूड मैंने जैसे कि आपके जो एथलेटिक मतलब कि फूड में जो होते हैं उनके फिंगरों के आसपास फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसे एथलेटिक फूड इन्फेक्शन बोलते हैं। उसमें भी इसका ऑइंटमेंट जैसे यूज़ करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब आते हैं नेट आपका कीटाकोनाजोल्स। कीटाकोनाजोल इज अ फर्स्ट ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग यूजफुल इन द बोथ डर्मेटोफाइटोसिस और डीप माइकोसिस। ये ओरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका एंटीफंगल ड्रग है कीटाकोनाजोल्स, और ये आपका डर्मेटोफाइटोसिस और डीप माइकोसिस दोनों में यूजफुल होता है। कीटाकोनाजोल का एक्शन क्या, मोड ऑफ एक्शन क्या, कीटाकोनाजोल इनहिबिट द माइकोफंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम लेनोस्टेरोल्स 14 डाइमिथाइलेज, थंस इंपियर द एगोस्ट्रोनल सिंथेसिस एंड लीड टू द कैस्केड ऑफ मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटी इन द फंगस, दिस लीड टू द डेथ ऑफ फंगाई। मतलब कीटाकोनाजोल क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देता है आपके फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स के लिए, जिससे कि जो P450 एंजाइम यानी कौन सा एंजाइम, लेनोस्टेरोल 4-14 डाइमिथाइलेज, जिसकी वजह से क्या एगोस्टेरोल की सिंथेसिस क्या होती है, इफेक्टेड होती है, एगोस्टेरोल नहीं बन पाता, जो मेन कंटेंट किसका है, फंगस की मेम्ब्रेन का है। जब एगोस्टेरोल बन नहीं पा रहा है तो उसकी फंगस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, फंगस की डेथ हो जाएगी। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें, इफेक्टिव अगेंस्ट द डर्मेटोफाइटोसिस डीप माइकोसिस दोनों इफेक्टिव है। द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटाकोनाजोल इज फैसिलिटेटेड बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी, और ओरल एब्जॉर्प्शन जो है कीटाकोनाजोल का वो आपका बढ़ जाता है बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी, एसिडिटी मतलब गैस्ट में एसिडिटी का एनवायरमेंट तो ओरल कीटाकोनाजोल आसानी से ऑब्जर्व हो पाता है। इट इज मोर सॉल्युबल इन एट लोअर पीएच, लोअर पीएच में सॉल्युबल होकर आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा। पेनिट्रेट इन सीएसएफ इज पुअर, जो सेरेब्रो स्पाइनल फूड है उसमें आसानी नहीं पहुंच पाएगा। देर नो इफेक्टिव इन फंगल मेनिनजाइटिस में इफेक्टिव नहीं है इसका मतलब। हाउएवर थेरेपेटिक कंसंट्रेशन इज अटेन इन द स्किन एंड वेजिटल फूड, स्किन और वेजिटल फूड में कंसंट्रेट पहुंच जाएगी, लेकिन सीएसएफ में आसानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए सीएसएफ अगर फंगल मेनिनजाइटिस है तो उसमें ये इफेक्टिव नहीं है। एडवर्स इफेक्ट की बात है, कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं नोजिया वोमिटिंग, इसके अलावा क्या है
कैन बी रिड्यूस बाई गिविंग द ड्रग विद मील्स, और मील के साथ में इसका देंगे तो ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, सॉरी गलत बोल गया मैं, जो नोजी वोमिटिंग है किसके साइड कॉमन साइड इफेक्ट है, अगर इसे खाने के साथ में रिड्यूस बाई गिविंग द ड्रग विद मील्स, अगर ड्रग को मील के साथ दिए तो नोजी वोमिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अदर आर लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, एनालिसिस एंड हेयर लॉस। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है कीटामिन ऑयल का, हार्मोनल इफेक्ट क्या करते हैं, ए डिक्रीज द एंड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिकल, टेस्टिकल से एंड्रोजन का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, और डिस्प्लेस द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट, और डिस्प्लेस कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन को प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और मेल में मेल वाले गुण ना होकर फीमेल गुण आ जाते हैं, गायनेकोमास्टेसिस जैसी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, क्योंकि मेल के अंदर मेल जो जो हार्मोन्स हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, उनका फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता जब लॉन्ग टाइम थेरेपी कीटोकोनोलॉजी चलाई जाए तो। इसलिए क्या होगा, गायनेकोमास्थेसिया, लॉस ऑफ एयर, लिबिडो और ओलिगोस्पर्मेसिया में भी अकर, मतलब गायनेकोमास्थेसिया मतलब फीमेल जैसे सिम्टम डेवलप होना, लॉस ऑफ एयर, लिबिडो और ओलिगोस्पर्मेसिया मतलब क्या है, स्पर्म काउंट कम हो जाना, ये सभी साइड इफेक्ट नज़र आते हैं जब हम कुछ हफ्तों तक इनकी थेरेपी चलाएँ। इसके अलावा मैस्योरेशन इरेगुलरिटी अकर इन सम वूमेन ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ एस्ट्रैडियल सिंथेसिस। इसके अलावा क्या है कि फीमेल में मैस्योरेशन इरेगुलरिटी आपको ऑब्जर्व होगी जब हम इसकी लॉन्ग थेरेपी चलाएं, जिसकी वजह से क्योंकि वो एस्ट्रैडियल जो हार्मोन है उसकी सिंथेसिस को भी ये इफेक्ट करता है। कंट्राइंडिकेशंस, किस इस कंडीशन में अवॉइड करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या मिल्क फीडिंग मदर, उसको हम अवॉइड करेंगे। इंट्रैक्शन क्या है, S2 ब्लॉकर है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एंटासिड है, वो इसके एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, जबकि कीटाकोनाजोल्स बाय रिड्यूस द एसिडिटी, क्योंकि एसिड गैस्ट्रिक एसिडिटी कम कर देते हैं ये सब, S2 ब्लॉकर एसिडिटी कम करेगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी PPI है मतलब ओमिप्राजोल जैसे कंपाउंड है वो भी आपकी गैस्ट्रिक एसिडिटी कम करेंगे, एंटासिड एसिडिटी कम करेंगे, और गैस्ट्रिक एसिडिटी जितनी कम होगी उतना कीटाकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कीटाकोनाजोल एब्जॉर्ब कब हो रहे हैं, एसिड इन्वायरमेंट होते हैं, जब एसिड इन्वायरमेंट नहीं होगा तो एब्जर्व नहीं हो पाएंगे। रिफापमिन, फिनोवायोटोन, कारमेजापिन में एंड फिनोटाइन इंड्यूस द कीटोकोनल मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस द एफिशिएंसी, यानी कीटोकोनल के साथ में ये ड्रग दिए जाए तो इसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाई जाती है, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो जाती है, इसलिए इन सब ड्रग के साथ में अवॉइड करें। डोज रूट की बात करें, डोज 200 mg ओडी या BD दिया जाता है। यूज़ किया है, इसके इंडिकेशन क्या है, मेडली कीटोकोनल इफेक्टिव डर्मेटोफाइटोसिस बिकॉज इट्स कंसनट्रेट इन द स्टेटम कॉर्नियम, यानी स्टेटम डर्मेटोफाइटोसिस मतलब डर्मिस में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में ये बहुत इफेक्टिव होता है, स्टेटम कॉर्नियम इसकी क्वालिटी ज़्यादा पहुँचती है इसलिए कंसनट्रेट ज़्यादा हो जाता है। यूज इन एज ए लोशन शैम्पू, इट इज क्वाइट इफेक्टिव इन स्कर्वी, सीवोविया और स्कैल्प और डेंड्रफ, स्कैल्प या डेंड्रफ में जो आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया है, स्कैल्प हो रहा है, डेंड्रफ हो रहा है ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन, उसमें भी इसके लोशन और शैम्पू बहुत इफेक्टिव रहते हैं। थोड़ा इफेक्टिव इन मैमोलियन मेनजाइटिस ओरल थेरेपी 5 to 7 days विद कीटाकोनाजोल रिजर्व द रिकरेंट केस एंड दोज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू टॉपिकल एजेंट्स। ठीक है, फ्लूकोनाजोल एक ड्रग लास्ट ड्रग दे रही है, इट इज वाटर सॉल्युबल ट्रायोजोल हैविंग ए वाइल्ड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैन कीटाकोनाजोल ज़्यादा इफेक्टिव ये ड्रग रहती है। फ्लूकोनाजोल 94% एब्जॉर्ब, ओरल बायोअवेलेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द फूड एंड गैस्ट्रिक पीएच, जैसे कीटाकोनाजोल की ओबेबिलिटी गैस्ट्रिक पीएच और फूड गैस इफेक्टेड हो रही थी लेकिन इसकी इफेक्टेड नहीं होती है, 94% की एब्जॉर्ब हो जाती है। मोड ऑफ एक्शंस लाइक कीटाकोनाजोल, जैसे कीटाकोनाजोल काम करती है वैसे फ्लूकोनाजोल भी काम करती है। एंड फंगी सेटल कंसंट्रेशन आर अचीव इन द नेल्स, वजाइना, सलाइवा एंड पेनिट्रेशन टू द ब्रेन एंड CSF इज गुड, यानी कि हमारे नेल्स में भी आसानी पहुँच जाएगी, ये आपकी वजाइना में पहुँच जाएगी, सलाइवा में पहुँचेगी और हमारे ब्रेन और CSF में भी अच्छी पहुँच जाती है, यानी कि CSF यानी कि अगर किसी को फंगल मेनिंजाइटिस है उस कंडीशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। रोड रिडक्शन इज रिड्यूस्ड इन द रीनल इंपेयरमेंट, अगर किसी की रीढ़ किडनी का प्रॉपर नहीं कर रही है उस कंडीशन में इसका डोज को डोज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, फ्लूकोनाजोल प्रोड्यूस फ्यूअर साइड इफेक्ट जैसे मोस्टली नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रेसिस, हेडेक ये हो सकते हैं, और ये आपकी डज नॉट इनहिबिट द एस्ट्रैडियल सिंथेसिस, एस्ट्रैडियल सिंथेसिस को इफेक्टेड नहीं करती है, इसलिए आपकी गायनेकोमास्थेसिस जैसी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। इन मैन एंटी एंड्रोजेनिक एंड अदर एंडोक्राइन साइड इफेक्ट आपको इसमें ऑब्जर्व नहीं होंगे, जैसे कीटाकोनाजोल ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलाएं तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, लेकिन फ्लूकोनाजोल के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए फ्लूकोनाजोल का आज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जा रही है। कंट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंट और लैक्टिंग मदर को नहीं दें। इंट्रैक्शन की बात करें तो जो इसको इट इनक्रीज प्लाज्मा मेल फिनोटाइन, सीज़ाप्राइड, साइक्लोस्पोरिन, बारफिन, जुडाबिडिन, सल्फन यूरिया के साथ में अगर दिया जाए तो उनका लेवल बढ़ जाता है, इट इनक्रीज द प्लाज्मा लेवल, ये सब इनके लेवल को बढ़ा देते हैं, अगर उसको हम
फ्लूकोनाजोन के साथ में दें, और प्रोटोम्बोम इनहिबिटर एस टू ब्लॉकर डज नॉट अफेक्ट द संग, और ये दोनों ही पीपीआई और मतलब प्रोटोम्बोम इनहिबिटर एस टू ब्लॉकर के साथ में तो इसके ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट नहीं करती जैसे गिटाकोनाजोल अफेक्टेड होती थी। डोजर रूट किया है सिंगल रूट 150 एमजी ओरल डोज कैन बी वेजनल गाइनेडेसिस इन फ्यू रिलैप्सेस, उसके कंडीशन वेजनल गाइनेडेसिस है उसमें 150 एमजी ओरल डोज दी जाती है। ओरल फ्लूकोनाजोल 100 एमजी पर डे फॉर 2 वीक्स हाईली इफेक्टिव ओरंगियल कैनेडाडेसिस, उस कंडीशन में हम उसे 100 एमजी पर डे देना पड़ता है 2 वीक तक। और मोस्टली टीनिया इन्फेक्शन जितने भी आपकी स्किन फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया इन्फेक्शन है, क्यूटेनियस इन्फेक्शन है, उसमें 150 एमजी वीकली दी जाती है फ्लूकोनाजोल को फॉर 4 हफ्ते तक। 4 हफ्ते तक आप उसे दीजिए, क्योंकि आपके स्किन रिलेटेड कोई फंगल इन्फेक्शन है उस कंडीशन में 4 हफ्ते तक कंटिन्यू दी जाती है एवरी वीक में कितनी 150 एमजी। इंडिकेशंस केसेस में यूज़ कर सकते हैं फ्लूकोनाजोल लीस्ट इफेक्टिव ऑन इफेक्टिव माइक्रोसोमल एंजाइम्स थंस इज वाइल्ड थेरेपेटिक विंडो, इसकी थेरेपेटिक विंडो बहुत बड़ी है और ये हेपेटिक एंजाइम को अफेक्टेड नहीं होते, इसका मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड नहीं होता, इसलिए इसकी वायबिलिटी बहुत अच्छी आती है और बहुत इफेक्टिव है इन फंगल ट्रीटमेंट में। फ्लूकोनाजोल एजोल चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ क्रिप्टो मैंजेनाइटिस, मैंजेनाइटिस में अगर आपका फंगल मैंजेनाइटिस है उस कंडीशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो इफेक्टिव म्यूकोकैटेनस कैनेडियासिस ओरमफेंगियल कैनेडियासिस और कैनेडियस और एपीइसोफेगाइटिस और टीनिया इन्फेक्शन एंड क्यूटेनियस कैनेडियासिस, मतलब ये सभी टाइप की जो फंगल इन्फेक्शन है, चाहे आपका म्यूकस से रिलेटेड हो, चाहे ओरोफेंगियल फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे आपका ईसोफेंगियल फंगल इन्फेक्शन हो, या टीनिया स्किन या क्यूटेनियस में जो आप फंगल इन्फेक्शन सभी में ये ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं रोल ऑफ नर्स, बेसिकली असेसमेंट ऑफ पेशेंट टू साइन इन्फेक्शन असिस इन्वॉल्व एरिया ऑफ इन्फेक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन बिफोर थ्रो द थेरेपी, यानी कि आप पेशेंट को आपको बताना पड़ेगा फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन असिस द इन्वॉल्व द एरिया ऑफ स्किन और म्यूकस इन्फेक्शन, किस एरिया में इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में कहाँ इन्फेक्शन है, उस थेरेपी से पहले आपको पूछना पड़ेगा, उसके सिम्टम पूछने पड़ेंगे। इनक्रीज स्किन इरिटेशन मे बी इंडिकेट नीड टू डिस्कंटिन्यू मेडिकेशन, अगर इरिटेशन हो रही है तो उन्हें थेरेपी में तो उस कंडीशन में हम मेडिकेशन रोक दें, फिर जब इरिटेशन रुक जाए या अल्टरनेटिव ड्रग का यूज़ करें। इंस्ट्रक्शन द पेशेंट टू प्रॉपर यूज़ मेडिकेशन फॉर्म, मेडिकेशन को प्रॉपर यूज़ करें जब तक टाइम चल रहा है, जब जितने वीक की थेरेपी दी है थेरेपी की पूरी लें। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कंटिन्यू मेडिकेशन एंड डायरेक्ट द फुल कोर्स ऑफ थेरेपी, जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया उस पूरी टाइम ड्यूरेशन तक पूरी थेरेपी लें, अगर बीच में थेरेपी छोड़ देंगे पेशेंट तो हो सकता है कि फंगस इन्फेक्शन दोबारा प्रमोट हो जाए, इसलिए जितनी वीक की थेरेपी है उतनी वीक की थेरेपी लें ताकि फंगस इन्फेक्शन पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एंटी फंगल ड्रग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चीज़ें पसंद में आई हो तो अच्छी बात है, कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, और आपको लगता है ये वीडियो किसी के हेल्पफुल तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।